इसराइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्ला ने शुक्रवार को इसराइल पर 140 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। यह हमला हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्लाह की ओर से इसराइल पर बड़े पैमाने पर बमबारी का बदला लेने की कसम खाने के एक दिन बाद हुआ। इसके जवाब में इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें हिजबुल्ला का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया। इसराइल ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि उसके हवाई हमले में इब्राहिम अकील मारा गया है। लेबनान में किए गए हमलों की जानकारी देते हुए इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगरी ने कहा कि इजरायल की योजना हिजबुल्ला के हमले की क्षमता को हमेशा के लिए खत्म करने की है। उन्होंने ये भी कहा कि इब्राहिम अकील के साथ हिजबुल्ला के कई लड़ाके भी मारे गए हैं। इजरायल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी जरूरी कदम उठाएगा। IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगरी ने कहा कि हिजबुल्ला ने इजरायली नागरिकों पर 8,000 से अधिक रॉकेट, मिसाइल और विस्फोटक UAV दागे, जिसमें 60,000 से अधिक इजरायली लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा। हिजबुल्ला को आतंकवादी संगठन बताते हुए हगरी ने कहा, हिजबुल्ला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आतंकवादी संगठन है। यह इसराइल, लेबनान, मध्य पूर्व और पूरी दुनिया के लोगों के लिए खतरा है। 8 अक्टूबर से हिजबुल्ला ने इजरायली नागरिकों पर 8,000 से अधिक रॉकेट, मिसाइल और विस्फोटक UAV दागे हैं, जिससे 60,000 से अधिक इजरायली लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा है। आज ही हिजबुल्ला ने इजरायल पर 200 से अधिक रॉकेट दागे हैं। इब्राहिम अकील हिजबुल्ला का टॉप कमांडर था। वह हिजबुल्ला के राडवान यूनिट का कमांडर था। राडवान यूनिट हिजबुल्ला की सबसे प्रमुख यूनिट मानी जाती है। इसराइल सेना के मुताबिक इब्राहिम अकील इसराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले की योजना बना रहा था। उसे 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर हमले का आरोपी भी माना जाता है, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर एक साथ कई रॉकेट दागे थे और हमला कर इसराइली क्षेत्र में घुसकर हमला कर दिया था। जिस तरह से इसराइल सेना हाल के दिनों में हिजबुल्ला के खिलाफ हमलों में तेजी लाई है, ऐसा लगता है कि वह हमास से युद्ध के बाद अब हिजबुल्ला के खिलाफ भी युद्ध में उतरने की तैयारी कर रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता के बयान से ये भी आभास होता है कि वह हिजबुल्ला पर और हमले कर सकती है। मेजर हमले के बाद भी इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा था कि अब ये युद्ध अगले चरण में प्रवेश कर रहा है।